को लगाना, सुर को कायम करना और सुर को छोड़ना, ये तीनों चीजें अगर आप में होंगी तो यू आर द बेस्ट वन। Thank you.
साहिबान भी आपके लिए खड़े हैं। नज़ाकत, रोना नहीं है, बस आज दिल की बात करनी है अपनी। मैंने आपसे कहा था ना, आज मैं मंच दूंगा आपको, आप अपनी हर बात करें। आप लोग बैठिए और सुने नज़ाकत के जज्बात क्या हैं। मैं आपके सामने अपनी जब मैं अपनी म्यूजिकल जर्नी शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने PNCA ज्वाइन किया तो मतलब सब मैं बचपन से गा रहा था, लोग मुझे सुनते थे, कहते थे तुम्हें क्लासिकल सीखना चाहिए, क्लासिकल सीखना चाहिए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने माँ बाप को राज़ी किया। सभी जानते हैं कि ऐसे नॉन म्यूज़िकल फैमिली में अपने आप को ऐसे सीखना और ऐसे क्लासिकल की तरफ जाना कितना मुश्किल है। बट मेरे माँ बाप का बहुत मैं इस चीज़ के लिए थैंक यू करता हूँ। मेरे बहन भाई जो मेरी क्लासेस मैनेज करते हैं, और मतलब फाइनेंशियली भी मुझे काफ़ी था कि मतलब एक तो PNCA की जो क्लास की जो मुझे फ़ीस पड़ती थी, ऊपर से मेरा पिक एंड ड्रॉप, भारागो से आना, भारागो से जाना, और कितनी स्ट्रगल करके मैं क्लासेस लेता था। और फिर मुझे जो मेरे गुरु मिले, उस्ताद सरफराज खान, मैं तो आज जो कुछ भी उनकी वजह से हूँ। और आज ये मैंने जो बंदिश गाई है वो उन्हीं के कहने पर गाई है। और अभी मुझे उनकी थोड़ी देर पहले कॉल आई थी कि नज़ाकत आज तुम ये गाओ, तो आज मैंने उन्हीं के लिए आज ये गाई है। तो आज मैं मेरा अपना ये परफॉर्मेंस आज की अपने गुरु पापा को डेडिकेट करना चाहूँगा। और उसके बाद फिर जब मैंने सीखना शुरू किया तो मतलब शुरू में तो मतलब सपोर्ट करते थे हमें वो बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको पता है कि हर जगह कहीं ना कहीं ऐसा होता, मतलब लोग मिलना शुरू हो गए तो आपने अपने बेटे को किस काम पे लगा दिया। और मुझे यहाँ तक लोगों ने कहा तुम ब्लाइंड हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी म्यूज़िकी में कोई मंजिल नहीं है, तुम अपना और अपने घर वालों का वक्त बर्बाद कर रहे हो। और मैंने कोई भी मेरे मतलब जैसे मेरे बाकी के क्लास फेलोज के पास हारमोनियम था और बाकी चीज़ें थी, मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे एक छोटे से टूटे फूटे फ़ोन में एक तानपुरा की छोटी सी स्ट्रिंग रिकॉर्ड है C# की और C की, और जिससे मैं रियाज करता हूँ, और जो सर कराएं उसकी मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। बाकी मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट था, मैंने कोई किसी से डिमांड नहीं की। लोग ऐसा करते हैं कि कभी मुख्तलिफ जगह से तलाश करते हैं कि उन्हें कुछ मिल जाए, मैंने आज तक किसी से मदद नहीं मांगी। हमेशा यही सोचा था कि बस अपने बल पे इंशाल्लाह कभी आगे बढ़ना है। और वॉइस ऑफ पंजाब मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब ये आया था तभी मुझे मैंने ये सोच लिया था कि बस आज इस प्लेटफॉर्म पे अपना नाम देना। और डेढ़ साल मैंने जितनी मेहनत किया, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी कि डेढ़ साल की मेहनत का हिसाब ये सिर्फ 1.5 या 2 मिनट देंगे, तो बस बहुत अभी इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि अल्लाह का शुक्र आज जितनी मेहनत की, जितना सर ने कराया, जितनी कोशिश की, आज वो आपके सामने मंच पर दिखी। और बस कोई आखिरी बात करना चाहो फिर हम आपको यहाँ से उठाएंगे, दिल की बात कर दो आज। मैं आखिरी बात यही कहना चाहूँगा उन सारे माँ बाप को जो मुझे सुन रहे हैं। अच्छा ये बात भी है कि मैंने ये स्टोरी इसलिए नहीं सुनाई कि मुझे कोई हमदर्दी मिले या कुछ मिले, मैंने ये स्टोरी इसलिए सुनाई कि मुझे क्या मुझे देखिए आप लोग मोटिवेट हो, मैं ब्लाइंड होकर अपने सिंगिंग के लिए इतना स्ट्रगल कर सकूँ कि आप लोग देख सकते हैं। आप लोग माँ बाप हो और अपने बच्चों को देखो, अगर उनमें टैलेंट है तो उन्हें यूटिलाइज करो। अगर मेरे माँ बाप की वजह से मैं इस मंच पे बैठा हूँ और मेरे लिए आज स्टैंडिंग ऑडिशन है, तो कल को तो आपके बच्चे के लिए भी ये सब कुछ होगा। थैंक यू सो मच। नज़ाकत यू डिजर्व फॉर दैट। आपने शुरू से लेकर आखिर तक जितनी वर्दें कही हैं उसमें कहीं भी, मैं खुद क्लासिकल सिंग करता हूँ, जितनी पलटे आपने कहे हैं उसमें कहीं भी 19-20 का भी फर्क नहीं था। वेरी गुड, जीते रहो। मौला
Thank you.
जिंदगी पे जाने सानू वे देखे बाहर की पिचाई
مست نظروں سے اللہ بچائے، مست نظروں سے اللہ بچائے، ماں جمالوں سے اللہ بچائے، مست نظروں سے اللہ بچائے، ماں جمالوں سے اللہ بچائے، مست نظروں سے اللہ بچائے، ماں جمالوں سے اللہ بچائے، ہر بلا سر پہ آ جائے، ہر بلا سر پہ آ جائے، لیکن اس بالوں سے اللہ بچائے، اللہ بچائے، مست نظروں سے اللہ بچائے، ماں جمالوں سے اللہ بچائے، مست نظروں سے. آج بچوں سارا دن بیٹھ کے آپ کا پروگرام انجوائے کیا، فرح آغا صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں. ممبر پنجاب اسمبلی روح رواں پاک وطن، یہ وہ پاک وطن کے سپاہی، یہ وہ مجاہد ہیں جو وطن کی باغ دوڑ سنبھال رہے ہیں، آنے والی نسل کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. جتنے لفظ کہے جائیں، دیکھیں یہ انہوں نے کتنی محنت کی. کل یہ لوگ 11 گھنٹے بیٹھے رہے ہیں، اور آپ یہ سوچیں کہ کتنے لوگوں کا یہ اس میں سے آڈٹ کرنا، 20 کو چننا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اور ان کے تو دل بھی جیسے ہیں، دونوں کے ان کا تو دل ہوگا، اتنی اچھی آواز ہے تو سبھی کو سلیکٹ کر لیں، لیکن بس کچھ پالیسیز ہوتی ہیں. اور پھر میں ججز صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اتنے اچھے، میں وہاں بیٹھی دیکھ رہی تھی، کیونکہ دیکھیں ججز کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ کسی کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ لانا، لیکن اس میں ظاہر ہے وہ اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں، کس چیز کو لو وائس، ہائی وائس اور جو بھی ان کی ریدمس ہے اس کو لینا اور سمجھنا. جیسے 22 کروڑ عوام کی میں سے 350 پارلیمانی الیکٹ ہوتے ہیں، تو نیچرلی انہوں نے کوئی کام کیا ہوا ہوتا ہے، ان میں کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، تو ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے آتے ہیں. دوسرا میں نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ ہماری پارٹی جب سے آئی ہے وہ ان چیزوں کو، اسپیشلی یوتھ کو بہت فوکس کر رہی ہے. آپ میں سے کسی کو ڈس ہارٹ نہیں ہونا، ہمیشہ مشکلیں ہوتی ہیں شروع میں. جس حالات میں ہمیں یہ حکومت سونپی گئی تھی، آپ یقین مانیں کہ جب میں ان میٹنگس میں جاتی تھی نا، تو میں گھبرا جاتی تھی کہ یہ تو خزانے خالی ہیں، تو جو یوتھ کو ہم نے وعدے کیے ہوئے، بچوں کو، عوام کو، ہم کیسے پورا کریں گے. لیکن آپ سب دعا کریں کہ خان سب کامیاب ہو جائیں،
कुछ टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों की सारी उम्मीदें पूरी होंगी। देखें, जब वो आए हुकूमत में तो कुछ भी ना था, अब उस चीज़ को इकट्ठा करना, आप लोगों के लिए कोई जॉब्स का निकालनी, पॉलिसीज़ को बनाना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हिम्मत आप लोगों ने नहीं हारनी है, इंशाल्लाह कुछ चंद महीने की बात है, आप लोगों को बहुत सारी खुशखबरियां मिलेंगी और बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, देखें मेरी तो टांगे कांप रही हैं, यहाँ पता नहीं किन तीन को मिलता है, लेकिन सबके लिए सब भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। आप लोगों ने सब ने बहुत मेहनत की, स्पेशली रुत, आपको तो मैं स्टेज पे बुलवाऊंगी, इतनी छोटी बच्ची, इतनी टैलेंटेड, और उसके तो पेरेंट्स को भी आफरीन है, और पाकिस्तान का अच्छा साथ ही अच्छा पेरेंट्स भी हैं माशाल्लाह। चले देखते हैं कि क्या होता है अभी आगे, ज़्यादा आप लोगों को आगे बहुत बैठना पड़ा और मुझे भी एक जगह आगे और जाना है, इसलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और एक ही नारा लगा दें मेरे साथ, पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। आपके लिए गुड न्यूज़ का मरहला शुरू हो रहा है। इससे पहले कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड अनाउंस करूं और यहां शोर शराबा हो, मज़े की आवाज़ें आएं, एक बात मेरी गौर से सुनिएगा। हर्ट नहीं होना आपने, रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक रजिस्टर्ड इदारा रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल और वाइस ऑफ पोटोहार का एक सर्टिफिकेट भी आपके घर लग जाता है, फ्रेम हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है आपके लिए, बहुत बड़ा अवार्ड। वो भी सबको नहीं दिया जाएगा, सुरीले लोगों को दिया जाएगा। और दूसरी बात, खवातीन हज़रात, हमारे आज के दो जो लेजेंड जज हैं उनका जिक्र करना जरूरी है। अंजुम शहबाज की क्या ही बात करूं, बोले तो रंग घोल देता है, कानों में रस घोल देता है, बहुत अच्छे सिंगर। और वक्त मेरे पास कम है कहना, मैं बहुत कुछ चाह रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इतना सुरीला इंसान कि जिस पर पूरे पाकिस्तान को रश्क है, बहुत अजीम इंसान, बहुत अच्छा आर्टिस्ट, बहुत अच्छा सिंगर, कंपोजर, वन इन मॉरल म्यूजिक की तालीम बकायदा एक इंटरनेशनल इदारे में दे रहे हैं। इन शहबाज अंजुम साहब के लिए बहुत सारी तालियां। अंजुम शहबाज के बाद हमारे चीफ जज, चीफ जज किसी तारफ के मोहताज नहीं, मैं उनको चेहरा देखता हूं तो मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक याद आती है कि जिसका एक भी बाल सफेद हो मेरी उस उम्मती से परवरदिगार ने कहा है कि मैं उससे हया करता हूं, उसका इतना इतराम करता हूं। और एक सहाबी के तीन सफेद बाल थे, आप रोज उसके लिए उठ जाते थे, तो जरा सोचिए कि पाक सरजमीन का वो इंसान जो बेहतरीन राइटर है, बेहतरीन मुसन्निफ है, बेहतरीन शायर है, और आज के बाद इनको अवार्ड मिलेगा बेहतरीन जज का भी। खालिद सदीकी साहब के लिए बहुत सारी तालियां। अब सर्टिफिकेट का मरहला शुरू करेंगे, नाम मेरे पास आएंगे या आप ही बोलेंगे वहां से? जी बिस्मिल्लाह। नज़ाकत अली अपना सर्टिफिकेट ले रहे हैं। मारिया कमल 153, मारिया कमल 153, वकास ताहिर 95, वकास ताहिर 95, मैविश इमरान 45, मैविश इमरान 45, माजिद अख्तर 135, माजिद अख्तर 135, माजिद अख्तर, माजिद अख्तर 135, गुलाम रजा 139, गुलाम रजा 139, मोहम्मद उमर 134, मोहम्मद उमर 134, नज़ाकत अली 146, नज़ाकत अली 146, सुम्बुल नजीर 52, आमिर सलीम। सर इसके बाद और सर्टिफिकेट के नाम नहीं है?
आमिर सलीम के बाद 149-166 अलर्ट रहे, 149-166 बाबर अली उस्मान अजीम, बाबर अली उस्मान अजीम। बहुत सारी तालियां, सर्टिफिकेट हासिल करना तो मामूली बात नहीं है। सर जी, सर थोड़ा सा नजदीक सर। खालिद सदीकी साहब के लिए स्पेशल सर्टिफिकेट है, जज साहब के लिए, जो ने हमेशा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, वॉइस ऑफ पोटोहार की और आर्ट्स काउंसिल की याद दिलाता रहेगा। खालिद सदीकी साहब के लिए बहुत सारी तालियां। हमारे दूसरे जज अंजुम शहजाद दिकरे, अंजुम शहजाद साहब के ड्राइंग रूम की जीनत बनेगा हमारा ये सर्टिफिकेट। इन दोनों को बेहतरीन जज के तौर पर। दोनों ने इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया और पूरे 8-8 घंटे यहाँ पे खड़े रहे और जरा भी आवाम को बोर नहीं होने दिया, पार्टिसिपेंट को खुश रखा, मुख्तलिफ अपनी खूबसूरत आवाज, अपने गानों और लतीफों से महसूस करते रहे। तो अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगे अली से, भरपूर तालियों पे। खालिद सदीकी साहब आप सीनियर जज हैं, आज का रिजल्ट जो है वो खुद अनाउंस करेंगे। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो अली ज़ेब ऑफिशियल पेज है उस पे आपको सर्टिफिकेट की, शोज की सारी वीडियोस और तस्वीरें बिल्कुल फ्री मिलेगी। आप चाहे तो अपलोड करें, आप सबकी पिक्चर फुल एचडी 4K वीडियो आपको गिफ्ट मिलेगी, फिर तो आपके मजे। आपको पेज लाइक करें और पिक शेयर करें। खालिद सदीकी साहब आपके सामने नामा या माल खूबसूरत पेश करने जा रहे बेहतरीन ऑर्गेनिस्ट मोहम्मद अफजल, बहुत अच्छा कीबोर्ड प्ले किया है उन्होंने, कल थोड़े से मजे भी लिए उन्होंने, आए हैं मजे, तालियां बजा रहे इसके खूबसूरत कुर्ते के लिए। कमीज तेरी काली तो सोने बुलावा ने, हमारे थे यूसुफ मसीह, यूसुफ मसीह के लिए बहुत सारी तालियां। आरएफ मशीन पर अब्दुल कय्यूम मुदरी अली सरदार, मतलब तबला नवाज इकबाल, इतना सोना तोता दिता जिन्हें क्लासेस भी लाए हुआ देखे, तालियां बजा रहे, इतना अच्छा तबला प्ले किया उन्होंने। मेरा बड़ा मूड था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को मैं अनाउंस करूं, मैंने तो मजे ले लेके करना। कुछ चुटकुले भी छोड़ देंगे और उसके लिए मैं कभी कभी साइड पे हो जाया करूँगा, सोचा तो ये इनको आगे ना आने दूँ, लेकिन इनकी शख्सियत ऐसी है कि आप लोगों को मज़ा ही नहीं से आता है। मैं खालिद सदीकी साहब की तरफ से और जिनको आज फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पोजीशन नहीं मिली, मैं सिर्फ उन सब के लिए शेर कहना चाह रहा हूं कि तकदीर बनाने वाले ने कुछ कमी ना की, तकदीर बनाने वाले ने कुछ कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तो मैं दो स्पेशल प्राइजेस सबसे पहले अनाउंस करूंगा, उसमें है हमारे पास, उसको टोकन नंबर कहें या कोड नंबर कहें, 131 हारून। इसकी माँ की दुआएं, और माँ भी साथ ही थी दोनों में।
और ये लोग छोड़ के जा रहे थे, बेटा इधर देखो, काफी लोगों को छोटे इधर देखो यार, हमें जल्दी आप हमारे अब हर कोई इस खास जो प्राइज दिया जा रहा है, मेरे ख्याल में कोई इससे इनकार नहीं करेगा कि ये गलत दिया वकार साहब ने या हम लोगों ने या ये अली ज़ैब, असल में जो ज्यूरी बनी उसके अली ज़ैब भी मेंबर है, तो उसमें उनका नाम है हफ्सबा, हमारी प्यारी सी छोटी सी नन्नी परी, मेरी नन्नी परी, तू तो जीत चली, बहुत सारी तालियां। वो पोजीशन जरूर ले जाए कोई भी ले, अल्लाह की किस्मत चेक कोड़ी तू बड़ा, इसको सीधा खड़ा करके देखी कसम खा के कह सकता हूँ बच्ची छूट जाएगी उसी से। मुस्कुराहट देखे असल मजे इसी के, तुम भी इतनी ऊंची पोनी करो तुम्हारे भी मजे हो जाएंगे, इतनी खूबसूरत गुड़िया की लैपिंग नहीं होगी आपके, बहुत सारी लैपिंग शोहरत के आसमान पे तुम चांद बन के चमको, जिस बाग में भी जाओ तुम फूल बन के चमको। अब वो जो दिलों जिसको कहते हैं ना दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, ये वो वक्त आ गया। अब आप सब की यकीनन यही पोजीशन है, अभी होने लगे आपको मजे। ये कोड नंबर टोकन नंबर है 146 नजाकत अली, इनको तीसरा इनाम मिला है। नजाकत अली के मजे टोपी समेत आ रहे हैं शहजादे, वाह 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 नजाकत अली, आज तो महरून हो गया है तुम, इसीलिए फोन पे पूछा था आप किस रंग के कपड़े पहन के आएंगे। नजाकत की मुस्कुराहट के लिए तालियां बजा दे। अच्छा ऐसे भी लगता है नजाकत का दिल कह रहा हो मजे। तीनों रात सेकंड पोजीशन जो है ना, खुदा की कसम मैं आज रात जाके उस बच्चे के लिए नवाफिल अदा करूंगा। मैं यहां बैठा तस्बीह कर रहा था कि इसको कोई ना कोई पोजीशन मिले, चाहे फोर्थ ही मिल जाए, लेकिन सेकंड पोजीशन आप में से उसकी है, आपका दिल यकीनन कर रहा होगा। द सेकंड पोजीशन गोज टू नजाकत अली। नजाकत अली मेरा शहजादा, तेरे अरमान पूरे होने जा रहे। टोकन नंबर 11 मेरा फखर, मेरी जान, मेरी जिंदगी, हर वो शख्स जिसे अल्लाह ने ऐसा स्पेशल बनाया है, आप अली ज़ैब की जान हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी का मकसद है ये सारे लोग। नजाकत मेरी आंखों से देखो, बड़ा खूबसूरत तुम्हारी शर्ट के साथ के कलर का चेक है, कैश प्राइस है, आप बहुत प्यारे लग रहे हो चेक के साथ, जरा मुस्कुराओ तो सही नजाकत प्लीज, ऐसे कुछी कुछी नजाकत के मजे। एक कीजिएगा।